मैं ब्लॉग तो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ बिल्कुल नहा कर। तो फटाफट से होते हैं गाइस तैयार, यहाँ पे चल रहे म्यूजिक, उसके बाद चलते हैं गाइस हम ऊपर छत पे पेड़ पौधों को देखकर आते हैं। अभी गाइस 12 बज रही है लगभग नहीं गाइस 11 बज रही है, अभी 11 बजे देखकर आते हैं पेड़ पौधे मतलब क्या है, कितना धूप आ रखी है मतलब पेड़ पौधों के आसपास, और कितनी छाया है, कितनी जगह पे मतलब छाया वगैरह है, देखने चलते हैं। पहले उससे पहले रेडी हो जाते हैं। तो गाइस रेडी होने के बाद दिखाता हूँ। सो गाइस फाइनली हो चुका हूँ रेडी, टीवी करते हैं ऑफ, अब उसके बाद गाइस फैन और ऑफ करते हैं, फिर चलते हैं ऊपर। तो गाइस रेडी हो चुका हूँ, वैसे भी स्मार्ट तो लग ही रहा हूँ। तो गाइस कमेंट सेक्शन में बताना कि हैंडसम लग रहा हूँ, तो रेड जो दिल होता है ना गाइस वो भेजना कमेंट में। वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दो यार, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। तो गाइस चलते हैं अभी ऊपर, गेट खोलते हैं। गाइस ऊपर आते ही देखो धूप कितनी खतरनाक है। तो गाइस देखो अभी तो इधर इधर वाले पोर्शन में हल्की फुल्की छाया आ रही है, हल्की फुल्की, और इधर तो मतलब पूरे में धूप ही धूप है अभी तो, ये देखो पूरे में धूप है। सो गाइस नीचे चलते हैं एक बार और, बाल्टी लेकर आते हैं, इन सब में पहले पानी डालते हैं, क्योंकि कल लेना मैं पानी डालना ही भूल गया था, और पेड़ पौधे आधे से ज़्यादा मतलब सूख से रहे हैं। तो गाइस फटाफट चलते हैं, पानी की बाल्टी लेकर आते हैं, उसके बाद दिखाता हूँ। सो गाइस पानी की बाल्टी तो मैं लेकर आ चुका हूँ, मग्गे को रखते हैं गाइस इधर ही, और बाल्टी को भरते हैं छोटे वाले स्विमिंग पूल में से फटाफट। गाइस सारे पेड़ पौधों में जो है ना ज़्यादा ज़्यादा पानी डाल देंगे, ताकि है ना मतलब अभी धूप भी बहुत खतरनाक है, और अभी तो 11 ही बजे जितने मतलब 11 बजे इतनी धूप है, तो दिन में गाइस कितनी खतरनाक होगी धूप, इसीलिए गाइस सब में ज़्यादा ज़्यादा पानी डालते हैं, दो दो मग्गे डाल ही देंगे। तो गाइस ये गमला तो हो चुका है एक मग्गे में ही फुल। तो गाइस सब में भर के पानी डालते हैं, तो सारे गमलों को मतलब फुल भर देते हैं। सो गाइस बाल्टी हो चुकी है खाली, वापिस चलते हैं भर कर लाते हैं बाल्टी को। सो गाइस हमारी एक लाइन पूरी होने वाली है पानी डालने का। सो गाइस एक लाइन तो हो चुकी है पूरी, अब इसकी जो ऑपोजिट लाइन है उसमें भी डालते हैं फटाफट से पानी। तो गाइस वापिस से बाल्टी हो चुकी है खाली, इसको वापिस भर कर लाते हैं बाल्टी को। गाइस एक सीन दिखाता हूँ आपको, पीछे देखो गाइस मटकी में ना एक कबूतर पानी पिलाया, देखो जूम करते हैं हल्का सा, ये देखो ये रहा गाइस मटकी पे बैठा हुआ, मतलब जो हमारी पक्षियों की जो मटकी है ना उस पर पानी पी रहा है गाइस। गाइस अभी तो पानी डालने का काम जो है ख़त्म करते हैं अभी पेड़ पौधों में फटाफट से।
सो गाइस पानी डालने का जो काम है वो हो चुका है ख़त्म। अब पक्षियों की मटकी है उसको भी भरकर आ जाते हैं। तो गाइस मुझे देखकर वो कबूतर जो बैठा हुआ था पक्षियों की मटकी पे वो भी उड़ चुका है। तो गाइस इसे भी फुल भर देते हैं मटकी को। तो गाइस ये भी फुल भर दिए, चलते हैं हम नीचे फटाफट से। लेकिन उससे पहले गाइस टैंक को करते हैं बंद। सो गाइस अभी धूप कितनी ख़तरनाक है वो लोग आप देख ही सकते हो, मतलब धूप कितनी ख़तरनाक है। छाया में खड़े होते हैं गाइस थोड़ी देर और पेड़ पौधों को देखते हैं यहाँ से मतलब कुछ दिख रहा हो। वैसे ये देखो सीन कितना अमेजिंग है। इधर दिखाता हूँ गाइस, इधर हवा भी चल रही है पर इतनी नहीं चलती है गाइस जितनी शाम को चलती थी ना पहले, इतनी नहीं चलती है गाइस अभी हवा। ये देखो फ्लैग हिल तो रहा है बट इतनी कोई खास नहीं चलती है गाइस हवा। और इधर गाइस गली में कोई प्रोग्राम भी है तो टेंट भी लग रहा है उधर आगे, देख ही सकते हो गाइस धूप मतलब कितनी ख़तरनाक है। वैसे आपका भाई स्मार्ट लग ही रहा है गाइस, कमेंट सेक्शन में बताना कैसा लग रहा हूँ, कमेंट करना मत भूलना गाइस। और आसपास का व्यू देखते हैं अपन। गाइस उधर देखो सामने मतलब कितनी बड़ी वाली छत है और उधर लग रही दो छतरियाँ, इधर देख ही सकते हो आप लोग। इधर से गाइस व्यू बहुत अच्छा आता है, मतलब घर जो दिखते हैं ना एक साथ सारे सारे वो इधर भी देखो इधर भी आता है। और गाइस ये जो ऊपर वाली जो छत है ना इससे और भी तगड़ा मतलब व्यू आता है इनका छत का। इधर चलते हैं इधर से देखते हैं। गाइस ये देखो छोटू ने लगा रखा है झंडा जो कि हो चुका है टेढ़ा, इसको सीधा करते हैं पहले तो फ्लैग को। गाइस ये तो पूरा फंस रहा है इसमें, इसको पूरा सीधा करते हैं झंडे को। तो गाइस निकालना पड़ेगा फिर होगा ये तो शाम को, गाइस छोटू को ही बोलना पड़ेगा वही करेगा इसको सीधा, मुझसे तो हो भी नहीं रहा है। दो मिनट गाइस कैमरा रख के फिर करते हैं। सो गाइस फाइनली ये कर दिया हमने सीधा, इसको लगाते हैं और निकालने में ये हल्की सी इसकी डंडी जो है नीचे से वो भी टूट चुकी है, इसको वापस लगाते हैं इसकी जगह पे जैसे ये पहले लगा हुआ था। सो गाइस इसको तो गाइस वापस हो चुका है खड़ा। सो गाइस ये हवा से हो चुका है वापस टेढ़ा, इसे सीधा करते हैं एक बार और। सो गाइस ये ऐसे ही रहेगा टेढ़ा ही का सा बट हो चुका है सीधा जैसा मतलब होना चाहिए वैसा तो हो चुका है। गाइस ये हवा से वापस गिर गया, इसको वापस सीधा करते हैं। अब शायद कहीं नहीं जाएगा गाइस ये, अब नहीं जाएगा गाइस कहीं भी ये, अब बिल्कुल सीधा लगा दिया इसको, अब कहीं नहीं जाएगा। तो गाइस इधर वाले झंडे को भी सीधा करते हैं इसको भी। गाइस ये भी कर दिया सीधा झंडा। इधर देखते हैं गाइस ये एक और पड़ा हुआ है, इसको भी गाइस शाम को कहीं ना कहीं लगा ही देंगे ये पड़ा हुआ इधर। और गाइस हमने इतने सारे पत्ते इकट्ठे कर लिए कंपोस्ट के लिए, इसमें देख ही सकते हो आप लोग, बट अभी भी बहुत ज़्यादा कम है तो और ज़्यादा इकट्ठे करेंगे उसके बाद ही गाइस इसका जो कंपोस्ट बनेगा ना पेड़ पौधों में डालेंगे। तो गाइस ये रहा एक और पत्ता सूखा हुआ, इसको भी उठाते हैं और डालते हैं मटकी में। गाइस ये एक और मिला है, इसको भी मटकी में उठा के डालते हैं ताकि ये कंपोस्ट के काम आ सकें सारे पत्ते। सो गाइस आज का जो ब्लॉग है उसे यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। वीडियो को लाइक नहीं किया कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस कर देना, और कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना कि आपका भाई कैसा लग रहा है। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।